जी हाँ, आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आपका अगर कोई सॉफ्टवेयर या फिर आईटी रिलेटेड बिजनेस है तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सॉफ्टवेयर या फिर आईटी रिलेटेड बिजनेस ओपन करने के लिए कौन कौन सा गवर्नमेंट लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होता है, वो लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, वो लाइसेंस आपको कितना दिन में प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, कितना पेमेंट लगेगा, इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम इस वीडियो में दो पार्ट में होगा। पहला जो होगा ये छोटा जो आईटी रिलेटेड या सॉफ्टवेयर कंपनी होते हैं जिस दिन में एक से लेकर 10 एम्प्लॉय होते हैं और वो सिर्फ इंडिया का बिजनेस जो करते हैं, और दूसरा होता है जो बड़ा कंपनी होता है जो अदर्स कंट्री का भी ऑर्डर लेते हैं उनके लिए कुछ अलग लाइसेंस लगता है, इंडियन कंपनी के लिए कुछ अलग लाइसेंस लगता है जो सिर्फ इंडिया में डील करते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं जो कंपनी इंडिया के अंदर ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उनके लिए जो पहला लाइसेंस रिक्वायरमेंट होता है उसका नाम है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस होता है और उसका कोई वैलिडिटी नहीं होता है, वो लाइफ टाइम के लिए आपको रिसीव होता है। जब तक आपका आईटी या फिर सॉफ्टवेयर रिलेटेड बिजनेस है तब तक वो लाइसेंस वैलिड है। नंबर सेकंड पे जो लाइसेंस लगता है उसका नाम है ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस आप जो भी स्टेट के अंदर आपका आईटी या सॉफ्टवेयर बिजनेस ओपन करोगे वो स्टेट गवर्नमेंट से जो आप परमिशन लेते हो उसको ट्रेड लाइसेंस बोला जाता है। ये आपका लोकल स्टेट गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से होता है और उसका वैलिडिटी भी जो होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से होगा। नंबर थ्री पे जो लाइसेंस लगता है उसका नाम है लेबर लाइसेंस। लेबर लाइसेंस भी आपका स्टेट गवर्नमेंट का ही लाइसेंस होता है। आपका जो आईटी कंपनी के अंदर जितना भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनका रजिस्ट्रेशन को लेबर लाइसेंस बोला जाता है। ये लेबर डिपार्टमेंट से इशू होकर आपको रिसीव होता है और उसका जो वैलिडिटी भी है ये आपका स्टेट गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से होता है। नंबर फोर्थ पे जो लाइसेंस लगता है उसका नाम है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इसका फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स। ये 50% स्टेट गवर्नमेंट का और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। आप जो भी सर्विस कस्टमर को दोगे उसका जो टोटल अमाउंट में कुछ परसेंट टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को, जो आपके पास जब जीएसटी होगा तभी जाके वो आप दे सकते हो, और आपके पास जब तक जीएसटी नहीं होगा आप जीएसटी बिल भी कस्टमर को नहीं दे पाओगे। और नंबर फाइव पे जो लाइसेंस लगता है उसका नाम है आईएसओ 9001:2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है उसको। ये जो आप जो भी आप सर्विस दे रहे हो वो अच्छा क्वालिटी है बोल के वो सर्टिफिकेट आता है और उसका वैलिडिटी 3 या 3 साल के लिए होता है। तो बेसिकली ये 5 लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होता है और एक बार मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो लाइसेंस है उद्यम रजिस्ट्रेशन, सेकेंड जो लाइसेंस है ट्रेड लाइसेंस, नंबर थ्री पे जो लाइसेंस है लेबर लाइसेंस, नंबर फोर्थ पे जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन और नंबर फाइव पे है आईएसओ सर्टिफिकेट। ये आप अगर इंडिया में केवल सर्विस प्रोवाइड करते हो तो ये 5 लाइसेंस से आपको लेने की जरूरत है। अगर आप इंडिया से दूसरे कंट्री में अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये 5 लाइसेंस के साथ साथ वो 3 लाइसेंस भी रिक्वायरमेंट होगा। तो सुन लीजिए, पहला जो लाइसेंस है उसका नाम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जिसको आईईसी रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। जैसे कि नाम से आपको ये मालूम ही होगा कि दूसरे कंट्री में आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो या दूसरे कंट्री का कोई सर्विस आप इंडिया में लेते हो तभी आपको ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिलता है। ये DGFT से आपको अप्लाई करना होता है और इसका वैलिडिटी भी लाइफ टाइम के लिए होता है। नंबर सेकेंड पे आपको करना पड़ेगा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। जैसे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का मतलब है आपका ब्रांड नेम रजिस्ट्रेशन, जैसे कि आप इंफोसिस, आपका इंफोसिस हो गया उन्होंने ट्रेडमार्क लिया है, उसके बाद आपका टेक महिंद्रा हो गया
यस व्यापार हो गया, जोहो हो गया, ये सब उन्होंने ट्रेडमार्क दिया है। आप अगर अभी वो नाम लेने के लिए जाओगे वो नहीं मिलेगा। वैसे ही आपका कंपनी का नाम अगर आप ट्रेडमार्क किए हो तो आपका नाम दूसरा कोई भी यूज नहीं कर सकता, इसीलिए ट्रेडमार्क लिया जाता है। और एक है कंपनी रजिस्ट्रेशन। आप अगर दूसरे कंट्री से सर्विस लेते हो तो आपको या प्रोवाइड करते हो तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन भी करना होता है, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन, उधर पे आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, कंपनी का पैन कार्ड, टैन कार्ड, एओए, एमओए, ये सब मिलता है। लेकिन जो इंडिया से दूसरे कंट्री को प्रोवाइड सर्विस करते हैं उनको ही ये तीनों लाइसेंस एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। लेकिन जो इंडिया में सिर्फ प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो मैंने पहले बताया वो 5 लाइसेंस लेने पड़ेगा। अभी चलते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो हम आपको ये बता देते हैं, स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है उस पे कॉन्टेक्ट कीजिए, हमारे टीम के साथ डिटेल्स में बातचीत कीजिए। आपको बस मैं ये जो आगे डॉक्यूमेंट बताऊंगा वो डॉक्यूमेंट हमको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करना है और आपका डॉक्यूमेंट लेके हम आपका ये सभी लाइसेंस अप्लाई कर देते हैं। तो चलिए अभी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा हम आपको बता देते हैं। डॉक्यूमेंट में जो पहला डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, ओनर जो होंगे कंपनी का उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड, उनका एक पासपोर्ट साइज फोटो देना है। अगर वो कंपनी आप अगर रेंट पे कोई ऑफिस रेंट पे लेके ओपन किए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट देना पड़ेगा। अगर खुद का प्रॉपर्टी में ओपन किए हैं तो उस जगह का इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स बिल आप दे सकते हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको हमको व्हाट्सएप पे सेंड करना होगा। ये सभी डॉक्यूमेंट आपका लेके हम वेबसाइट के माध्यम से ये सभी लाइसेंस अप्लाई और अप्रूव करा के देते हैं। आपको कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही आपको ये सभी लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा। तो देर किस बात की, स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है उस पे कॉन्टेक्ट कीजिए, हमारे साथ डिटेल्स में बातचीत कीजिए। आपको बस व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट देना है और हम आपका लाइसेंस अप्लाई कर देंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारा ये यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ये यूट्यूब चैनल पे बिजनेस रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।